चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द बुक ऐप। सो डिवीजन वीक डे 3। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है ऑर्डिल। ऑर्डिल क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ वेरी अनप्लीजेंट एंड पेनफुल और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। यानी कोई भी एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही अनप्लीजेंट है, यानी अच्छा नहीं है, पेनफुल है, डिफिकल्ट है, उसे हम कहते हैं ऑर्डिल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रिबुलेशन या टॉर्मेंट। याद करने की चीज़ देखिए, फ्रॉड कंपनी के साथ डील करना ऑर्डिल है। यानी अगर हम कोई फ्रॉड कंपनी के साथ डील कर लेते हैं तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही स्पोक फ्रेंकली अबाउट द ऑर्डिल। उसने बहुत ही फ्रेंकली ऑर्डिल के बारे में बात की, यानी उसके साथ जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हुई थी उसके बारे में उसने बहुत ही फ्रेंकली बात की। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्ले। स्ले क्या होता है? ये वर्ब है जिसका मतलब होता है किल अ पर्सन और एनिमल इन अ वायलेंट वे। यानी किसी पर्सन या किसी एनिमल को मार देना वायलेंट तरीके से, हिंसक तरीके से, उसे कहते हैं स्ले करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मस्कर या स्लॉटर। एंड और ट्रिक क्या हो जाएगी? सिप को स्ले करना नहीं चाहिए। यानी सिप यानी भेड़ को अगर हम स्ले करते हैं तो ये हमें नहीं करना चाहिए। ओके, तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जांपल देखिए, नेवर स्ले योर एनिमीज। अपने एनिमीज को कभी स्ले मत कीजिए, उसे मारिए मत वायलेंट तरीके से। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कंसीड। कंसीड क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एडमिट और एग्री डेट समथिंग इज ट्रू आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग और डिसिस्टिंग इट। यानी किसी भी चीज़ को सच मान लेना, एडमिट कर लेना, पहले उसे डिनाई कर, पहले हम किसी चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, एडसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये सच नहीं है, लेकिन बाद में उसे एडमिट कर लेना, एग्री कर लेना, उस पर क्या कहलाता है? कंसीड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडमिट या कन्फेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिनाई। याद करने की ट्रिक देखिए, क्रिमिनल ने क्राइम करने की बात को कंसीड किया। यानी जो क्रिमिनल है उसने तो पहले मना किया कि मैंने ये क्राइम नहीं किया है, बट बाद में उसने क्या किया? कंसीड किया। यानी कि बाद में उसने एडमिट किया इस बात को कि उसने ही क्राइम किया है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, दे स्टार्टेड टू कंसीड डिफीट इन द वॉर। वो अपनी डिफीट, अपनी हार को वॉर में कंसीड करना स्टार्ट कर चुके हैं, मानना स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बेट। बेट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डिलिब्रेटली एनॉय और टॉन्ट समवन। यानी जानबूझ के किसी को परेशान करना, टॉन्ट करना, क्या कहलाता है? बेट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोवोक या टॉर्मेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे वेट बढ़ने पे मेरे फ्रेंड ने मुझे बेट किया। वेट बढ़ने पे फ्रेंड ने बेट किया यानी कि टॉन्ट किया। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से, इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज वर्ड बेटिंग हिम और हिज लव फॉर कार्टून्स। अब किसी लड़के को कार्टून्स पसंद है तो बाकी जो बॉयज थे वो उसे बेट कर रहे थे, उसे एनॉय कर रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे कि उसे कार्टून्स पसंद है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ब्रश अप। ब्रश अप क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इम्प्रूव वंस एग्जिस्टिंग नॉलेज और स्किल इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी किसी का कोई नॉलेज है, किसी स्किल है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसे इम्प्रूव करना और अच्छा बेहतर करना क्या कहलाता है? ब्रश अप करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इन्हेंस या रिवाइज। याद करने की ट्रिक देखिए, उसने खुद को ब्रश अप करने के लिए पुश किया। ओके, ब्रश अप करने के लिए पुश किया है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और भी एफर्ट्स लगाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। एग्जांपल देखिए, दीज लेसन्स विल गिव देम अ चांस टू ब्रश अप ऑन देयर टेक्निक। ये जो लेसन्स उन्हें मिला है वो उन्हें एक मौका देगी कि वो अपने टेक्निक को ब्रश अप कर सके, यानी उसे और इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर रही होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।